ये देखिए कितना प्यारा शेप आया है, और साथ ही तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम खस्ता और करारे बनेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शक्करपारे की रेसिपी, जिसे शंकरपाली, मीठी निमकी या फिर मीठी मटरी भी बोला जाता है। और ये हम बनाएंगे नए डिज़ाइन में, जो कि देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है, साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। साथ ही मैं इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, जिससे परफेक्ट शक्करपारे बने, वो भी बिना खुले या बिना फटे और बिना कड़क हुए। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले ली है आधा कप चीनी यानी कि शक्कर, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। ये गुनगुना दूध लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है, हल्का गुनगुना दूध लेना है, जिससे कि शक्कर इसके अंदर हम घोलेंगे तो वो आसानी से घुल जाए। इस तरीके से चलाते हुए हम शक्कर घोल लेंगे इसके अंदर। आप चाहो तो शक्कर की जगह अगर शक्कर का पाउडर आप डालेंगे तो वो बहुत जल्दी घुल जाता है। तो शक्कर अच्छी तरह से घुलने के बाद मैं इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप घी। ये पिघला हुआ घी लेना है हमको। कभी भी आप जमा हुआ घी लेके उसको नापेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा, इसलिए घी को हमेशा पिघलाकर ही यूज़ करें, जिससे कि परफेक्ट मेजरमेंट आए। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, साथ ही मैं इसके में डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची का पाउडर। अगर इलायची पसंद ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे, और ये जो हमने तैयार किया हुआ मिक्सचर रखा हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे, और इसका हमें टाइट आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा हम दूध, घी और चीनी का मिक्सचर जो हमने बनाया है इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे, और सभी चीज़ों को मिलाते हुए इसका हम आटा लगा के तैयार करेंगे। इस टाइम पर ये देखिए आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट जैसे ही हम इसको सेट होने रखेंगे ये आराम से मैदा फूल जाएगा और सेट हो जाएगा आटा। अब इसको हम ढक देंगे और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने देंगे। तो ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अब हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। कोशिश कीजिए कि सभी बराबर हिस्से हों इसके। इसकी हम लोइयां बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो जब तक मैं इसे तैयार करती हूँ, तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए इस तरह से लोई बना के तैयार कर ली है, और इसको हम मोटा मोटा बेल लेंगे। इसमें हमें आटे या घी किसी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, आराम से ये बेल जाएगा क्योंकि हमने इसमें घी का यूज़ किया है। तो इस तरह से बेल के हम तैयार करेंगे। देखिए इतना मोटा तैयार करना है हमें। और अब आप इस तरीके से कोई भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं, और उससे इस तरीके से आप छोटे छोटे से काजू के शेप के या हाफ मून के शेप में इसको काट लें। ये देखिए इस तरह से ये निकाल देंगे हम, और इस तरह से इसको हम आधा रखेंगे और दबा के इस तरीके से निकालिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम सारे शक्कर पारों को काट लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले ये हिस्सा निकाल देंगे, उसके बाद आधा ढक्कन हम इसके ऊपर रखेंगे और दबाते हुए इस तरह से शक्करपारे को अलग कर लेंगे। आप चाहो तो इसी तरीके से इसको चौकोर हिस्से में काट के भी बना सकते हैं, या अपने मनपसंद के शेप में भी बना सकते हैं। बट नॉर्मली इसको चौकोर के डायमंड शेप में बनाया जाता है, बट अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा, साथ ही देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये। और ये जो साइड में हिस्सा बचा हुआ है इसे हम वापस से आटे में मिला लेंगे, और इसकी लोई बना के हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तलने के लिए तेल ले लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है हमें। इस तरह से अगर हम इसके अंदर शक्करपारा एक डालेंगे तो हल्का हल्के बुलबुले आ रहे हैं, बस इतना ही गर्म तेल हमको चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल लेना है। अब हम इसके अंदर सारे शक्करपारे डाल देंगे इस तरीके से, और शक्करपारे डालने के बाद में इसे हमें 10 से 15 सेकंड तक बिल्कुल भी नहीं छूना है, इसी तरीके से डले रहने देना है। और अब इन्हें अलटते पलटते हुए बढ़िया तरीके से गोल्डन होने तक सेकना है। और ये देखिए हमने ये शक्करपारे कितने पतले डाले थे और ये कितने फूल के मोटे हो चुके हैं, ये देखिए, और साइज़ भी इसका काफ़ी बढ़ गया है। इस तरीके से अगर आप शक्करपारे बनाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं कि शक्करपारे तलते टाइम खुल जाते हैं, फट जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमने मोयन लगाया है, यानी कि जो हमने मोयन के लिए घी यूज़ किया है, अगर वो घी ज़्यादा हो जाएगा तो ये शक्करपारे
फ्राई करते टाइम खुल जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं। और अगर वो मोयन जो हमने लगाया है घी का, वो अगर कम रह गया तो शक्करपारे हार्ड हो जाते हैं, यानी कि कड़क हो जाते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप घी का मेजरमेंट लें, यानी कि घी का नाप लें, तो उसको आप हल्का सा पिघला लीजिए, जिससे कि परफेक्ट मेजरमेंट आप ले सकें। और साथ ही में सारे मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप हो तभी लें, कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए या कप सेट कर लीजिए, उससे सारे मेजरमेंट आप ले सकते हैं। और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि शक्करपारे ठंडे होने के बाद में भी सॉफ्ट रहते हैं, तो जब भी आप शक्करपारे फ्राई करें उसको मीडियम हॉट ऑयल में डालने के बाद में गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमी आंच पर ही इसको आप अच्छे तरीके से सिकने दीजिए, जब तक कि गोल्डन ना हो जाए। फुल फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि बाद में भी मुलायम ही रहेंगे, यानी कि सॉफ्ट ही रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए। तो बस जैसे ही गोल्डन होने स्टार्ट होंगे उसी टाइम पर हम इन्हें निकाल लेंगे। ज़्यादा इसका कलर हमें नहीं लेके आना है, क्योंकि हमने इसके अंदर घी का यूज़ किया है। तो हम जब इनको निकाल लेंगे तब भी इसकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहेगी, घी होने की वजह से ये निकालने के बाद भी थोड़ी देर तक पकते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें। अगर हम ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो ये निकालने के बाद में जब तक ठंडे होंगे तो और ज़्यादा ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो जैसे ही हल्के गोल्डन होने लग जाएं उसी टाइम पर आप इन्हें निकाल लें। और एक बात, जैसे ही आप शक्करपारे निकालते हैं तेल में से, उस टाइम पर ये सॉफ्ट रहते हैं और जैसे जैसे ठंडे होते जाते हैं वैसे वैसे ये खस्ता होते जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितने क्रिस्पी बने हैं, बढ़िया तरह से ठंडे भी हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चलनी ले ली है और इसके अंदर मैंने शक्कर का बूरा लिया है, एक चम्मच के करीब लिया है। इसको हल्का सा इस तरह से बुरक देंगे, इसे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे और ये लीजिए तैयार है एकदम टेस्टी और खस्ता शक्करपारे। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल खस्ता है और हाथ से ही टूट रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार और खस्ता बने हैं। बस आप इनको अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिए और उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं। 15-20 दिन तक ये आराम से चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये नए डिज़ाइन वाले शक्करपारे की रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी लगती है। सारी टिप्स मैंने आपको इसी वीडियो में दे दी हैं, तो उन टिप्स को आप फॉलो करके बनाइए, बहुत ही परफेक्ट शक्करपारे बनके तैयार होंगे। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट करके। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।